आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके में पाकिस्तानी गोलीबारी में दो जवान घायल, भारत ने भी दिया कड़ा जवाब। इंसान को मारने का हक किसी को भी नहीं, साबरमती आश्रम में भावुक नरेंद्र मोदी ने कहा। 8 बड़े खातों में एक्सिस बैंक के 5,071 करोड़ रुपए फंसे, RBI ने दिए कर्जदारों पर कार्रवाई के निर्देश। G-17 का सफल प्रक्षेपण, एक माह में इसरो की तीसरी बड़ी कामयाबी। अरबों के चारा घोटाले के मामले में लालू यादव रांची में CBI की अदालत में हाजिर हुए। कांग्रेस का बहिष्कार, 30 जून को GST समारोह में शामिल नहीं होगी। मोदी की इसराइल यात्रा के दौरान हर कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहेंगे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। भारत को C-17 जेट विमान बेचेगा अमेरिका, बढ़ेगी हवाई परिवहन क्षमता। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जुलाई को जारी होगी, चुनाव और परिणाम 5 अगस्त को। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह ने कहा, भारत के प्रति वफादार नहीं है आजम खान। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 36 वर्षीय तालिबी महिला का अपहरण, 3 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में सेना के हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी करने वाले इनामी नक्सली दंपति ने किया आत्मसमर्पण। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में वाहनों की टक्कर में 12 अमरनाथ यात्री घायल। यूक्रेन से निकले नए कंप्यूटर वायरस से विश्व व्यापार बाधित। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति पार्क वेन को मौत की सजा की धमकी। ये थी अब तक की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।